हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। हमने एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया और उसकी हमने जो है कैपेसिटी वो कैलकुलेट करनी है, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। मींस कैपेसिटेंस किस रही है स्फेरिकल कंडक्टर की। तो सबसे पहले हम एक स्फेरिकल फॉर्म में हमने ले लिया कंडक्टर, जिसको हमने चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जिस पॉजिटिव चार्ज को हमने मान लिया क्यू चार्ज, मान लो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, लेट इट चार्ज प्लस क्यू इज गिवन टू ए स्फेयर। हमने इस स्फेरिकल कंडक्टर को क्यू चार्ज दे दिया और सेंटर से लेकर, ये सेंटर है और सेंटर से लेकर यहां तक बन गया रेडियस आर, और प्लस क्यू चार्ज इस स्फेरिकल कंडक्टर के पास मान लिया हमने। तो अब देखो, स्फेरिकल कंडक्टर के पास प्लस क्यू चार्ज है, तो अगर आप यहां से पोटेंशियल देखें किसी पॉइंट पर, पोटेंशियल देखें किसी पॉइंट पर, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर, अगर आपने क्यू चार्ज प्रोवाइड किया स्फेयर को तो नो डाउट पोटेंशियल भी होगा उसके पास। तो पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल ऑफ द स्फेयर वो क्या, उसका फॉर्मूला क्या आपके पास, कैपिटल वी इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई साइलन नोट आर, ये आपके पास है पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब आपने निकालना क्या है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का आपने फॉर्मूला होता है सी, कैपिटल सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, क्यू चार्ज ओवर वी वोल्ट। तो अगर आपने यहां पर V की वैल्यू पुट कर दी, ये वाले V की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, तो ऊपर तो Q रहेगा, नीचे आएगा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये आ गया Q के साथ Q कैंसल, और ये रेसिप्रोकल में, तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी। तो यहां से C कितना निकल के आपके पास आया, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर का, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये आ गई आपके पास कैपेसिटेंस, कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की आपके पास आई कैपेसिटी। ठीक है, ये है स्फेरिकल कंडक्टर। तो अगर आप इस स्फेरिकल कंडक्टर की जगह पर मान लो हम अर्थ कंसीडर कर लेते हैं, आपने अर्थ की जो है वो कैपेसिटी बतानी है कि अर्थ की, हम सभी बोलते हैं अर्थ जो है चार्ज को, हम एक अर्थ वायर जो हमेशा अर्थ को देते हैं, अर्थ वायर चार्ज को वो स्टोर कर लेती है। ठीक है, तो हम बोलते भी हैं कि जो अर्थ जे है एक कैपेसिटर की तरह काम करती है। ठीक है, वो चार्ज को स्टोर करती है। तो अगर आपने इसी कैपेसिटी निकालनी है अर्थ की, अभी आपने स्फेरिकल कंडक्टर की निकाली, अगर आप अर्थ की कैपेसिटी निकालना चाहते हो तो वो अर्थ की कैपेसिटी भी इसी फॉर्मूले से आएगी। फॉर्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, अब रेड यहां आर क्या है, रेडियस। तो अर्थ का रेडियस क्या है, अर्थ का रेडियस हम कंसीडर कर लेते हैं 6.45 इंटू 10^6 मीटर। तो ये हमने रेडियस जो है अर्थ का लिया 6.45 इंटू 10^6 मीटर। तो अगर आप इस फॉर्मूले में ये पुट करते हो, तो सब पहले अगर आपने देखा होगा आपके पास जो वैल्यू है 4 पाई साइलेंट नोड को आपने पहले लिखा होगा 1/9 × 10^9, ये वैल्यू आपने वहां पर पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट में। ठीक है, या कूलम कांस्टेंट में, या 4 पाई साइलेंट नोड जो है इतने कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो यहां पर अगर आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर ये पुट करते हो 9 × 10^9, और रेडियस की जगह पर पुट करेंगे 6.4 × 10^6। तो अब पहले हम 10^10 वाले को सोल्व करते हैं, ये आया 6.4 × 9, और ये 10^ अगर ऊपर जाएगी तो ऊपर जाकर क्या होगा, −10^6, ऊपर जाकर क्या होगी, 10^-9। तो यहां पर आया कितना आपके पास, 6.4 / 9 × 10^-3।
तो ये आया, जब आपने इसको सिंपलीफाई किया, अगर आप 6.4 को 9 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आएगा 0.711 अप टू सो ऑन, और साथ में आएगा 10 की पावर -3। ओके, तो जब आपने इसको पॉइंट्स में हटा दिया तो ये आएगा 7111 10 की पावर 3 1000 आएगा, और इधर 10 की पावर -3। और अब ये वाला 3 जो है ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद यहां पर क्या आएगा, 711 × 10 की पावर -6। तो आपको पता होगा 10 की पावर -6 को आप लिखते हो माइक्रो ऐसे, तो अब हम 10 की पावर -6 की जगह पर माइक्रो लिख सकते हैं फिर। माइक्रो, ओके, तो माइक्रो आपने लिख दिया, तो माइक्रो लिखने के बाद ये यूनिट है कैपेसिटेंस के, माइक्रो फैरेड। तो अब आप देखो जो कैपेसिटी है अर्थ की, वो हम कितने स्मॉल यूनिट में निकाल रहे हैं, मींस माइक्रो फैरेड में निकाल रहे हैं। ठीक है, फैरेड इसका मतलब, फैरेड जो है बहुत बड़ा यूनिट है, फैरेड में बहुत सारा चार्ज आ सकता है। तो हमने बोल दिया जो कैपेसिटी है वो अर्थ की 711 माइक्रो फैरेड है। ठीक है, माइक्रो फैरेड में हमने जो अर्थ की कैपेसिटी है वो निकाली है। अगर आप फैरेड में निकालते हो तो फैरेड में ये कैपेसिटी जो है कितनी आएगी, फैरेड में अगर आप निकालोगे तो ये आएगी, C इज इक्वल टू 0.00711 फैरेड। तो फैरेड में आएगी एक वैल्यू इतनी आपके पास, बट आपने माइक्रो फैरेड में, हम बोलते हैं माइक्रो फैरेड में लेते हैं, जहां फिर हम नैनो फैरेड में लेते हैं। माइक्रो फैरेड में हम क्यों लेते हैं, क्योंकि जो फैरेड है कैपेसिटेंस का वो बहुत बड़ा यूनिट है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो जो अर्थ की कैपेसिटी, हम बोलते हैं कि अर्थ बहुत सारा चार्ज जो है वो स्टोर कर सकती है, तो फिर भी उसकी कैपेसिटी जो है वो पूरी 1 फैरेड नहीं हुई। अगर आप देख रहे हो तो ये वैल्यू 1 फैरेड भी नहीं बन रही, ये माइक्रो फैरेड वैल्यू बन रही है। फिर भी अर्थ माइक्रो फैरेड कैपेसिटी होने के बावजूद भी इतना चार्ज स्टोर कर सकती है। अगर उसकी 1 फैरेड कैपेसिटी होती तो वो कितना और चार्ज स्टोर कर सकती थी, लेकिन फिर भी माइक्रो फैरेड होने तक भी वो इतना चार्ज स्टोर करती। तो इसलिए हमने ये कंक्लूड निकाला जो फैरेड जो है वो बहुत बड़ा यूनिट है। तभी जितने भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं, अगर उस इंस्ट्रूमेंट पर मान लो, अगर अब जितने भी कैपेसिटर आते हैं, इंस्ट्रूमेंट मीन्स जितने भी कैपेसिटर आते हैं, चाहे वो फैन के वाला आप कंडेंसर ही यूज करते हो, वहां पर जो कैपेसिटी लिखी होती है वो माइक्रो फैरेड में लिखी होती है, या फिर नैनो फैरेड में लिखी होगी आपकी। ठीक है, तो वो फैरेड्स में नहीं लिखी होती कैपेसिटी, क्योंकि फैरेड जो है कैपेसिटेंस का बहुत बड़ा यूनिट है। फैरेड तो, 1 फैरेड तो अर्थ की कैपेसिटी नहीं है चार्ज की स्टोर करने की, फिर कैपेसिटर की कैसे आप कर सकते हो। तो इसलिए जो कैपेसिटर है वो हमेशा माइक्रो फैरेड या नैनो फैरेड में उन्होंने बताया होता है कि इतना चार्ज जो है ये स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने निकाला कैपेसिटी ऑफ अर्थ और स्फेरिकल कंडक्टर का फार्मूला। तो ये ध्यान रखना, जो फैरेड है वो बहुत बड़ा यूनिट है कैपेसिटेंस का, इसलिए हम जितने भी कैपेसिटर है मार्केट में उस पर जो है माइक्रो फैरेड और नैनो फैरेड में वैल्यू मेजर करते हैं। फैरेड तो अर्थ की कैपेसिटी भी नहीं आ रही, अर्थ की भी जो है 7.711 माइक्रो फैरेड कैपेसिटी है। अगर फैरेड में कन्वर्ट कर रहे हो आप तो वो 1 फैरेड के आसपास भी नहीं आ रही, फैरेड जो है बहुत बड़ा यूनिट है। ओके, थैंक यू क्लास।